हम लोग यानी कि चौकीदार जो निकालेगा एक मतलब बोले तो क्या बोलते पंचायत में होना चाहिए। हाँ पंचायत में निकालेगा मतलब उसका जो नौकरी होगा पंचायत में होगा। अब वो अदर स्टेट से आएगा मेरा पंचायत में, मेरा पंचायत बोले में वो जो क्या जानता है, क्या पता जानता है किसको, मतलब कुछ भी मैटर होगा तो क्या बोलेगा वो। ये तो गलत कर रहा है यानी कि जिला प्रशासन और यहाँ पे यानी कि जो है महागठबंधन सरकार। हाँ क्या कहेंगे आपको इसको लेकर बताइए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आज पुतला दहन करने का जो इस शाम मेला में किए हैं, सबसे पहले ये पुतला दहन के माध्यम से जिला प्रशासन इसी को ये आराम देना चाह रहे हैं कि ये सबसे निचली स्तर की चौकीदारी नौकरी जिसमें नियमों वाले के अंतर्गत कहा गया था कि जो यहाँ के स्थानीय हैं कोटा जिला के स्थानीय रहेंगे वही इस फॉर्म को भर सकेंगे। और जहाँ तक हम लोग ने देखा कि गोड्डा जिला के अलावा बाहरी जिला के यहाँ पे आके जहाँ बाहरी राज्य के छात्रों ने इस चौकीदार पे भागीदारी बने, यहाँ का एडमिट उन लोगों का जारी हुआ है, तो हम लोग ये इस चीज़ से नाराज़ हैं जिसके माध्यम से आज हम लोगों ने डीसी का ये पुतला दहन किया है। हम लोग चाहते हैं कि ये जिला स्तरीय पे जो यहाँ के निवासी हैं उन लोगों को मौका मिले इस चौकीदारी नौकरी करने का, और जो बाहरी राज्य के हैं उन लोग का जो एडमिट है जो एग्ज़ाम दिया गया है उन लोग को रद्द किया जाए। हम लोग का यही मांग है और हम लोग का कोई मांग नहीं है, जो बाहरी राज्य से यहाँ पे आके एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों का एडमिट कार्ड रद्द किया जाए। आगे का उसका कार्रवाई मतलब जैसे कि फिजिकल या रनिंग सब है उस सब मेडिकल सब नहीं होना चाहिए, हम लोग का यही मांग है। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि चौकीदारी का नौकरी जिला स्तरीय से होना चाहिए, यहाँ पे अन्य राज्य के छात्र यहाँ पे उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस ये सब लेके हम लोग ने जिला और जिला के डीसी का ए ग्रेड बी ग्रेड का तो ए ग्रेड बोलिए। जैसे कि यहाँ कोटा जिला में एग्जाम हुआ, एग्जाम सेंटर में जो क्वेश्चन लाया गया उसमें सील पैक नहीं था। अगर अदर जिला में देखेंगे तो वहाँ पर पूछे कि किस तरह आप लोग का एडमिट कार्ड का जीरोक्स, हम लोग पूछे कि किस तरह वहाँ का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ बोला कि हम लोग का एग्ज़ाम जो हुआ था सील पैक था और यहाँ उस तरह हुआ। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो उधर स्टेट का यहाँ उत्तर प्रदेश हरियाणा का सब एग्ज़ाम लिखने के लिए आया गोड्डा जिला, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। कौन कौन से राज्य से लोग आए हैं एग्ज़ाम देने? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पलिया, वही सब गाँव से ज़्यादा नहीं देखे हैं, लेकिन उन लोगों का एडमिट कार्ड भी हम लोग के पास है। अच्छा जांच होना चाहिए, मतलब जांच होनी चाहिए जी। देखिए छात्र जो है जांच की मांग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम छात्र यहां पर पहुंचे हैं। चौकीदार की बहाली में जिस तरीके से धांधली हुआ, धांधली को लेकर छात्रों में नाराजगी है। इन लोगों का कहना है, आप ये देख सकते हैं मेरे मोबाइल में है कि ये आप लोग इनका गाँव और जिला देख सकते हैं कि कौन कौन राज्य से है, और बल्कि ये जो चौकीदारी का ये है वैकेंसी है ये गोड्डा जिला के लिए ही है। आप इन लोगों का गांव जिला देख सकते हैं कि कहां से बिलोंग करते हैं। हम लोग की मांग यही है कि इन लोग की आगे की जो प्रोसेस है उसको रद्द किया जाए। तो रद्द करने को लेकर जो है छात्र जो है वो सड़कों पर है ना, आप देख सकते हैं कि काफी उम्मीदें थी इनको कि इस बार जो है जिस तरीके से चौकीदार की बहाली हो रही है स्थानीयों को मौका मिलेगा, लेकिन स्थानीयों को मौका नहीं मिला जिसको लेकर कि छात्र नाराज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर को चलने के बाद डीसी जिसान कंवर जो है किस तरीके से इन छात्रों के मांग को लेते हैं और क्या कुछ आगे होता है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, ऐसे तमाम खबरों को देखते रहिए।